गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजनी क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थ्योरम 10.6 एंड थ्योरम 10.7 विच लीड्स टू आवर एक्सरसाइज 10.4. तो फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 10.6 विच इज इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. लाइक इफ वी आर हैविंग अ सर्कल, वेट if this is a circle iski do chords le li maine ek ab ek cd main keh rahi hu ki ab aur cd equal hain to wo kya keh raha hai ki ye center se equal distance pe honge agar main yahan se perpendicular draw karu aur यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर हो गया तो वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं इस पे ये पी पॉइंट ले लूं, ये क्यू ले लूं, तो वो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू. ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि OP इज इक्वल टू OQ. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन सर्कल C, O इसका सेंटर है, R रेडियस है, टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. आपको गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है. तो आपको टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है आपको आपको प्रूव करना है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, और वी कैन से ओ पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लेंगे ही. ठीक है, ये तो हमने प्रूव भी कर दिया कि ओ पी और लिख दो ना, ए बी इज सॉरी ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी. क्योंकि जब भी हम इक्वी डिस्टेंस की बात करते हैं, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे थ्योरम में, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा. तो इक्वी डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो, क्या कंस्ट्रक्शन होगी, ओ ए को ज्वाइन कर दो और ओ बी को ज्वाइन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे. कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो सीपी सीटी से ये अपने आप ही इक्वल हो जाएगा. क्लियर, कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ज्वाइन एओ एंड ओबी. अब प्रूफ, देखो हमें पता है कि ए बी एज वी नो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें पता है. ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, गिवन है ना. तो अब हमने कल थ्योरम की थी, परसों की थी, 10.3 और 10.4 जो भी थ्योरम थी, क्या था वो कि जब भी हम कोर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो वो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, है ना. तो हम यहां पे क्या कहेंगे, ऑल्सो ए पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड क्यू डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. वाई बाय थ्योरम
10.3, ये थ्योरम हमने की थी। इस थ्योरम से हमने कहा कि एपी हाफ ऑफ एबी है और सीडी सॉरी क्यूडी हाफ ऑफ सीडी है। तो हम कहेंगे दैट इंप्लाइज एपी इज इक्वल टू क्यूडी। क्यों? बिकॉज एबी इज इक्वल टू सीडी। देखो कोई भी दो चीजें हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनका हाफ भी तो इक्वल होगा। लाइक मेरे पास 4 सेंटीमीटर की दो लाइंस हैं, मैंने दोनों का आधा कर दिया, दोनों 4 सेंटीमीटर हैं तो दोनों का आधा 2 सेंटीमीटर होगा ना। तो अगर वो इक्वल थी तो वो हाफ भी इक्वल होगा, अगर वो इक्वल नहीं होती तो हाफ भी इक्वल नहीं होता। तो हमने इसीलिए कहा कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी थी तो हाफ ऑफ ए बी दैट इज ए पी एंड हाफ ऑफ सी डी दैट इज क्यू डी वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, इसको दे लो आप इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि आपके यूज होगा। अब करिए इन ट्राइंगल्स ए ओ पी एंड क्यू ओ डी सॉरी डी ओ क्यू, तो हम कहेंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हो गया अब राइट एंगल, इसको आप एंगल 1 दे दो, इसको 2 दे दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड देन अभी हमने प्रूव किया कि ए पी इज इक्वल टू क्यू डी फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय आरएचएस रूल। ध्यान रखना सिर्फ आरएचएस से होगा ये, बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ क्यू बाय आरएचएस, दैट इंप्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू बाय सीपीसीटी हैंस प्रूफ एंड दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है। ठीक है, इट कंप्लीट्स योर प्रूफ एंड दिस इज द थ्योरम 10.6 विच वी प्रूव्ड इन दिस वीडियो। बेटा मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी थ्योरम्स हो जाएंगी, अभी जब आप करते हो ना तो आपको लगता है हमें समझ आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इनको खुद से करोगे ना तो सारी मिक्स मैच हो जाएंगी। तो प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू डू रिटन प्रैक्टिस, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तो आपको मोस्ट मतलब एटलीस्ट ईच थ्योरम आपको 3 to 5 times रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको थ्योरम समझ आएंगी। क्योंकि एक तो ये आपके फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई है आपके सिलेबस में, दूसरा आप क्लास में भी नहीं है। ठीक है, वर्चुअल क्लासेस चल रही है आपकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। बट अगर आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है डाउट्स हैं वो पूछेंगे तो आई थिंक आप इजीली कर पाएंगे। बाकी तो डिपेंड्स कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स थ्योरम 10.7। यस स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरम 10.7, फोर्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। वो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ये जो दो पोर्ट्स हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, मींस ओ पी और ओ क्यू इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है कि कोर्ड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, जो लास्ट हमने 10.6 थ्योरम की थी ये उसका कन्वर्स है एज इट इज। ओके, तो सेम हम वैसे ही किया, गिवन टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू वेयर ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू
सीधी कंस्ट्रक्शन आपने सेम लास्ट थ्योरम की तरह की, ओबी को ज्वाइन किया और ओसी को ज्वाइन किया। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ताकि जो सी क्यू है वो पी बी के इक्वल आ जाए, और आप फिर आगे हम इसको ए बी और सी डी को भी इक्वल प्रूव कर सके। ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स ओ सी क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी ए, हमें पता है दिस इक्वल टू दिस गिवन है, तो हम कहेंगे ओ पी इज इक्वल टू, पहले हमने ये ट्राइंगल लिया तो हम पहले ओ क्यू लिखेंगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी गिवन। ठीक है, हमें पता है ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड ऑल्सो वी नो दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ईच 90 डिग्री, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ओ सी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी ए बाय विच रूल आर एच एस, हमने हाइपोटेन्यूज इक्वल ली, एक साइड इक्वल ली और राइट एंगल। ठीक है, तो हम कहेंगे सी क्यू इज इक्वल टू पी बी बाय सी पी सी टी कॉरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू, अभी आपको समझ में आएगा कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 सी क्यू इज इक्वल टू 2 पी बी, मैंने कहा 2 सी क्यू इज इक्वल टू 2 पी बी, हमें पता है 2 सी क्यू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, एंड 2 पी बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, 2 सी क्यू वी नो दैट 2 सी क्यू इज इक्वल टू सी डी एंड 2 पी बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बाइसेक्टर्स फ्रॉम सेंटर bisect chords, ठीक है, that implies CD is equal to AB, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इट कंप्लीट्स आवर थ्योरम 10.7। ठीक, डू रिटन प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द थ्योरम वेल and do practice at home. All these theorems are very important. If you thought ki only exercise are important, no beta, these theorems comes in your exams and you have to do practice of that. Thank you, have a nice day.